इस पार्ट के शुरुआत में हम देखते हैं कि मोने का इंटरव्यू चल रहा था। एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि 5 साल पहले उसने कहा था कि वो दामी को जानती नहीं है, अगर ऐसा है तो वो उसकी लाइफ पे बेस्ड मूवी क्यों कर रही है। मोने आंसर करती है कि उसे बहुत बाद में पता चला कि दामी को फंसाया गया था और वो चाहती है कि लोगों को उसका सच पता चले, इसलिए वो ये मूवी कर रही है। एक दूसरा रिपोर्टर लाही से पूछता है कि वो क्यों इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि 5 साल पहले लाही ने दामी से रिलेटेड बस नेगेटिव बातें ही कही थी। लाही कहती है कि अब उसकी सोच बदल गई है। उस समय मीडिया ने दामी के न्यूज़ को इतना सेंसेशनल बना दिया था कि झूठी न्यूज़ भी सच लगने लगी थी। रिपोर्टर फिर कहती है कि र्यूमर्स हैं कि उस इंसिडेंट में सुंगचान ग्रुप इन्वॉल्व है, और लाही और मोने दोनों से पूछती है कि उन्हें क्या लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है और दोनों का ही आंसर सेम रहता है कि हाँ, हमें तो लगता है कि सुंगचान ग्रुप इन्वॉल्व था। एक्चुअली उन दोनों को मैथ्यू की बात याद आ गई थी। मैथ्यू ने साफ साफ कहा था कि फाइल में लिखे आंसर से बोलने हैं। एक रिपोर्टर लाही से पूछता है कि वो सुंगचान ग्रुप से कुछ कहना चाहती है क्या, तो लाही डायरेक्टली सुंगचान ग्रुप से सवाल करती है कि दामी को किसने मारा था। फिर हम जिनमो को देखते हैं, जिसने इस इंटरव्यू पे कमेंट करने के लिए बहुत से लोगों को हायर किया हुआ था। ये सारे लोग इतने ज्यादा कमेंट्स करते हैं कि ये इंटरव्यू वायरल हो जाता है। कई YouTube चैनल्स में भी ये दिखाया जाने लगता है कि लाही ने सुंगचान ग्रुप पे डायरेक्टली अटैक किया और चेयरमैन सिम को आंसर देने को बोलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन सिम जब ऑफिस से निकलते हैं तो वहाँ रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी और सब लोग उनसे पूछने लगते हैं कि दामी को किसने मारा और क्या उनकी कंपनी सच में उस केस में इन्वॉल्व है। चेयरमैन सिम एकदम परेशान हो जाते हैं और अपने सेक्रेटरी से मॉन्क नाम को बुलाने कहते हैं, क्योंकि नामचुल ने उन्हें वार्निंग दी थी कि उनकी कंपनी पे भारी संकट आने वाला है। दूसरी तरफ हम जिनमो को देखते हैं जो बहुत परेशान था, क्योंकि मिस ना ने उसे भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है। अचानक उसे मिस ना का कॉल आता है और वो उसे कहीं आने को बोलती है। जिनमो भागता हुआ उस एड्रेस पे पहुंचता है जो एक हॉस्पिटल का था। ना को देखकर वो गुस्से में चिल्लाता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, पर ना को इमोशनल देखकर उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। ना कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं और किसे कॉल करूं। तो जिनमो उसके साथ उसके बगल में बैठता है और कहता है तुमने ठीक किया। उस समय हम किसी को देखते हैं जो जिनमो को फॉलो करता हुआ वहाँ तक आ गया था। इधर हम चेयरमैन सिम को देखते हैं जो नामचुल यानी मॉन्क नाम के साथ बैठे थे। वो पूछते हैं कि मुझे अपनी कंपनी को बचाने के लिए क्या करना होगा, तो मॉन्क नाम कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, रिजल्ट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये लड़ाई आप जीत नहीं सकते। नामचुल फिर कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है, जिसने आपके भरोसे को धोखा दिया था, जिसने आपकी वाइफ का मर्डर किया था। ये सुनकर चेयरमैन एकदम गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि सुंगचान ग्रुप के आगे कोई नहीं टिक सकता। फिर वो मिस्टर गु को बुलाकर कहते हैं कि वो लोग टिकीटाका के अगेंस्ट वॉर पे जा रहे हैं। वो टिकीटाका को दिखाना चाहते थे कि सुंगचान को प्रोवोक करने पे क्या होता है। नामचुल मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसका तो यही मिशन था कि चेयरमैन को प्रोवोक करके लड़ाई में शामिल करवाना। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। उस एक्सीडेंट से हाना का पैर फ्रैक्चर हो गया था। लकीली मोने की मॉम को वैसी चोट नहीं लगी थी। बाहर जिनमो ना से कहता है कि अगर वो हाना के साथ कुछ समय के लिए अब्रॉड जाकर रहेगी तो वो इंतजाम कर देगा। फिर वो जाने लगता है तो ना उसे प्यार से बाय बोलती है। अंदर आने पे ना देखती है कि कोई आदमी हाना से बात कर रहा था। ये वही आदमी था जो जिनमो को फॉलो करता हुआ आया था, और इसने वही शूज पहने हुए थे जैसा हमने के को पहने देखा था। ना हाना को आवाज लगाती है तो वो आदमी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लाही को देखते हैं। उसे किताब का मैसेज आता है कि मैंने जिस बारे में कहा था तुमने सोचा, सोच कर मुझे रिप्लाई करना। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू और दोयुग को देखते हैं। दोयुग किताब के बारे में पूछता है तो मैथ्यू कहता है कि उसने चेक नहीं किया, इस डर से कि पता नहीं क्या देखने मिल जाएगा। वो दोयुग को अपना आईपैड देकर कहता है कि वो चाहे तो चेक कर सकता है। दोयुग फिर मैथ्यू को वो टुकड़ा दिखाता है जो उसने के जूते से नोचा था। मैथ्यू टुकड़ा एग्जामिन करके कहता है कि ये तो टॉप क्वालिटी क्रोकोडाइल लेदर है जो कोरिया में मिलता भी नहीं है। मैथ्यू दोयुग से ये टुकड़ा संभाल कर रखने को बोलता है। मैथ्यू के रूम से बाहर जाने पे दोयुग किताब को लोकेट करता है तो देखता है कि वो लाही के साथ था और दोनों किस कर रहे थे। दोयुग को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। मैथ्यू के वापस आने से पहले वो इस फुटेज को डिलीट कर देता है।
दूसरी तरफ हम सुनचान ग्रुप का सीन देखते हैं, जहां नामचूल वीडियो कॉल के थ्रू मैथ्यू को दिखा रहा था कि चेयरमैन सिम किन किन बड़े लोगों के साथ मीटिंग में थे। इस मीटिंग का एजेंडा सुनचान के रेपुटेशन को बचाना और टिकी टाका से लड़ने का प्लान बनाना था। फिर हम मोने को देखते हैं, वो अपने ड्रेसिंग रूम में थी तो वहाँ डायरेक्टर मिचेल आती है। वो मोने से बहुत रूडली बात करती है और उसकी एक्टिंग की भी इंसल्ट करती है। मोने को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो मिचेल से पूछती है कि तुम हो कौन आखिर, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकलवा सकती हूँ। इस पे मिचेल मोने की बहुत सी बुरी क्वालिटीज गिनवाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने पावर का अब्यूज करती हो, पर ये मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर तुमने अपनी एक्टिंग नहीं सुधारी तो मैं तुम्हारे साथ काम भी नहीं करूँगी। मोने गुस्से में मिचेल को मारने के लिए बढ़ती है तो मिचेल उसका गला पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर मैं दामी होती तो इसी तरह से तुम्हें मार डालती। मोने खुद को छुड़ाकर मिचेल को मारती है और अब उसका गला दबाने लगती है। मिचेल खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही थी तो मोने थोड़ी हैरान होती है। वो देखती है कि दरवाजे के बाहर से बहुत से लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। उस समय तो मिचेल मोने को बचा लेती है, सबसे ऐसा कहकर कि मोने तो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम मिस को देखते हैं, जिसने एग्जीबिशन शुरू होने के पहले पेंटिंग कंप्लीट कर लिया था और वहाँ आए लोगों को उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता। सब लोग पेंटिंग की बहुत तारीफ करते हैं। गैलरी के डायरेक्टर तो को से बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे अगर कुछ चाहिए तो बताओ। को तो मौका ही मिल जाता है। वो कहती है कि वो एक बार वीआईपी रूम देखना चाहती है। इस पे डायरेक्टर बताती है कि वीआईपी रूम में चेयरमैन सिम के अलावा और कोई नहीं जा सकता, बस उन्हीं के पास एक्सेस कार्ड है। को बहुत हैरान होती है और पूछती है कि फिर आपके पास ये चाबी कहाँ का है। तो डायरेक्टर कहती है कि ये तो मेरे पर्सनल बाथरूम की चाबी है। को बहुत डर जाती है क्योंकि उसका मिशन तो फेल हो चुका था। फिर हम मूवी सेट का सीन देखते हैं। दोयुक नोटिस करता है कि वहाँ काम करने वाले लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसी ने ज्यादा पैसे ऑफर करके कैमरा टीम, इक्विपमेंट और लाइटिंग टीम को हायर कर लिया है। तभी वहाँ उस जगह का मालिक आकर कहने लगता है कि अब वो इस जगह को रेंट नहीं कर सकता और उन्हें तुरंत खाली करने को बोलता है। दोयुक पूछता है कि ऐसा क्यों, हमने तो पूरा पैसा पे किया है। तो वो आदमी कहता है कि वो सुनचान ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जा सकता। लाही फिर आकर दोयुक को बताती है कि सुनचान ग्रुप ने शूटिंग रोकने के लिए कोर्ट में मोशन फाइल किया है, अब कोर्ट के डिसीजन आने तक वो लोग शूटिंग नहीं कर सकते। दोयुक लाही से कहता है कि उसे कुछ भी करके ये शूटिंग कंटिन्यू रखना होगा। अगर बचे हुए 5 घंटों में उसने शूटिंग शुरू नहीं कराया तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। लाही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ सोचकर वो किताब को कॉल करती है और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम कहोगे। दूसरी तरफ हम चा को देखते हैं, जो अब तक अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई थी। नामचुल उसकी हेल्प करने के लिए चेयरमैन की मेट से टकरा जाता है, जो उनकी दवा लेकर जा रही थी। मेट के हाथ में थोड़ी चोट लग जाती है तो नामचुल चा से कहता है कि वो चेयरमैन की दवा लेकर जाए। दवा ले जाने से पहले चा उसमें कुछ मिला देती है। चेयरमैन दवा पी तो लेते हैं पर वो समझ जाते हैं कि उसमें चा ने कुछ मिला दिया है। वो अपने आदमियों से चा को घर से बाहर फेंकवा देते हैं। चा का मिशन भी फेल हो चुका था। तभी कीता के लोग वहाँ आकर उसे उठा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू ने लाही, चा और को चेन से बांध रखा था क्योंकि तीनों के ही मिशन फेल हुए थे। मैथ्यू बचे हुए तीनों जिनमो, मोने और नामचुल से कहता है कि देख लो मिशन पूरा नहीं होने पे कैसा पनिशमेंट मिलता है। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों की ही जान लेने वाला है। तीनों अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं पर मैथ्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। वो बाकी तीनों से कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो उन ड्रम्स को पानी में फेंको। एक्चुअली उन तीनों के चेन्स ड्रम से बंधे हुए थे ताकि ड्रम्स के गिरने पे वो लोग भी पानी में गिर के डूब जाएं। तभी कीताक वहाँ पहुँचता है और उसके पीछे से दोयुक। दोयुक कीताक की कार चेक करता है तो ट्रंक में उसे वही शूज मिलते हैं जिसका एक टुकड़ा उसने नोचा हुआ था। इधर जिनमो और बाकी दोनों खुद को बचाने के लिए ड्रम्स को नीचे धक्का देते हैं पर चा, लाही और को ड्रम्स के साथ नीचे नहीं गिरते। उन्हें रियलाइज होता है कि चेन्स बीच में टूटे हुए थे। मैथ्यू ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो कुछ समझ पाता उससे पहले किताक अपने लोगों के साथ मैथ्यू की तरफ बढ़ने लगता है। बाकी लोग भी मौके का फायदा उठाकर मैथ्यू पे अटैक कर देते हैं। दोयुक दौड़ता हुआ मैथ्यू को बचाने आने लगता है तो किताक उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसे रोकता है।
दोयुग चिल्लाता हुआ कहने लगता है कि मुझे गोली ही मार दो, क्योंकि मैथ्यू को कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। कीताक अपने एक आदमी की तरफ इशारा करता है जो एक टेजर यूज करके दोयुग को बेहोश कर देता है। इधर लाही, चा और बाकी लोग खुद को बचाकर वहां से भागने लगते हैं। मैथ्यू उस समय बिल्कुल किनारे पे खड़ा था। अचानक से कीताक दौड़ता हुआ मैथ्यू की तरफ जाता है और उसको साथ में लिए हुए पानी में कूद जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है जहां एक आदमी को बंद करके रखा गया था। इस आदमी को देखकर लग रहा था कि ये बहुत समय से यहां बंद है। उसने अपने चारों तरफ दीवार में चीजें लिखी हुई थी और इसके चेस्ट में भी वैसा ही निशान था जैसा ली हुई और मैथ्यू के चेस्ट में था। दूसरी तरफ हम कीताक और मैथ्यू को देखते हैं जो अब पानी से बाहर निकल आए थे। कीताक पहले तो हवा में फायर करके मैथ्यू को रोकता है, फिर उसकी तरफ गन पॉइंट करके पूछता है कि तुम कौन हो। मैथ्यू अब जोर जोर से हंसने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।